किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, PSB, एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्म जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चलित एवं हस्त चालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल करके आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरह के से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी ईजाद की गई है उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये प्रोडक्ट उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे जगदलपुर के द्वारा कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है, बहुत अच्छा शहद जो है उसके के द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुँच सकें और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप
लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तोर धरती ए, तोर माटी ए, ओ तोर आसमान गा, ओ तोला मैं बंदत हूँ भैया, तही भुइया के भगवान गा। जम्मू कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार, राम राम। संगी हो, खेती किसानी के बूता करत करत को हमन बारी ढर चित करबो तो निश्चित रूप ले बारी है हमार 8 काल 12 महीना हमार हाथ ला हरियर रखी। आप मन मोर पाछू में देखा था नार वाले फसल, मोर इशारा ला आप मन समझ गए हो। जैसे आसार हाइज हमार किसान भाई मन नार वाले फसल ला लगाए बर शुरू कर देते। बात करते हैं सेमी के, तो सेमी के फसल ला मन छोटे छोटे बारी है, कोला है, मत छोट छोट थाना लगा के करथन। अगर व्यापारिक रूप ले करना है तो सेमी के फसल हा हमार किसान भाई मन बर वरदान साबित हो हवा है। काबर एला निथार वाले भुइया माँ और जम्मो किस्म के भुइया माँ एक खेती हमार किसान भाई मन कर सकते हैं। पर फसल चाहे कोनो हो, अगर आधुनिक
कृषि यंत्र के सहारा आधुनिक उन्नत तकनीकी ल अपना के करबो तो निश्चित रूप ले हमर ये उत्पादन है अच्छा होई। सेमी के फसल आप मन देखत हो बढ़िया इमन टेक्निकल विधि ले करे, उन्नत विधि ले करे, ड्रिप लगा के करे, कौन ढंग ले करें कैसे करें आज बढ़िया विस्तार ले आप मन ला सेमी के व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी आप दिखाथन जुड़े रहो हमारे कार्यक्रम ले। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाटा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। सेम एक बेलदार पौधा होता है। इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए कि पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि सेमी की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियाँ उपयुक्त होती हैं। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। और सेमी खेत के तैयारी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें और उसके बाद में रोटावेटर से बड़े ढेले हैं तो उसके रोटावेटर के माध्यम से बारीक ढेला कर दें और उसके बाद में जब मेड़ बनाएंगे रेजर के माध्यम से तो हमारे रेजर के माध्यम से जो हमने मेड़ बनाया है वो काफ़ी मोटी रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो जल जो है वो भरे मत और निकासी के माध्यम से बाहर निकल जाए, इसलिए मोटी मेड़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जब हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन बिछाते हैं तो ड्रिप पाइपलाइन में हमें ये देखना है कि हमारी ड्रिप पाइपलाइन कहीं चोक तो नहीं है। यदि चोक है तो उसको एसिड के माध्यम से सफाई कर लें। उसके बाद में हम जब इसमें मल्चिंग करेंगे तो हमें ये देखना रहेगा कि मल्चिंग में जो डिस्टेंस है हमारा पौधे से पौधे की दूरी पे उसके हिसाब से इसमें गड्ढा करते हैं और गड्ढा जो हमारा है 2-2 फीट पे एक एक गड्ढा करते हैं और ये एक गर्म साकेट रहती है मतलब उसको गर्म करना पड़ता है और उस मल्चिंग को छेद के उस करके उसमें बीज एक एक बीज एक एक गड्ढे में रख करके उसको लगाया जाता है। जब इस प्रकार से लगा लें और सेमी का पौधा हमारा उग जाए उसके बाद में जब इसमें नार फैलना चालू हो तब इसमें हम बांस तार से स्ट्रकिंग करते हैं। बांस तार के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नार के रूप में इसमें फैलती है मतलब इसके जो पत्ते जो निकलते हैं नार निकलती है वो उसमें नार में भी फूल आता है और उसमें ही मतलब सेमी अच्छी हो सकती है हमारी, इसलिए ज़रूरी है कि इसलिए बांस तार इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। संगी हो बूंद बूंद पानी हमर जिंदगानी, फसल चाहे कोनो हो एक एक बूंद पानी के कीमत है और खास करके बात करबो टपक सिंचाई के माध्यम से सेमी के फसल में कौन ढंग ले बूंद बूंद पानी और पानी के संग में उखर जिंदगानी ला आगे बढ़ाए बर कौन ढंग ले रासायनिक खातू है, दवाई है, माटी है, यह ड्रिप इरीगेशन के माध्यम ले पहुँचत है। ये कार्यक्रम के माध्यम ला आप दिखात हन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर मात्रा में बना रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होता है। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर में जो
पहले जो हम लोग पलावन पानी पलाते थे, पलावन पानी में क्या होता था, हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आता था, पानी की मात्रा ज़्यादा लगती थी और पूरे पूरे खेत को पानी पिलाने में जो लेबर लगता था। और आजकल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है उससे होता है कि अब ड्रिप पाइपलाइन के माध्यम से हम इसमें पानी डालते हैं और साथ ही साथ में इसमें कम पानी में अच्छी फसल ले सकते हैं। और हमारा जो खाद है वो खाद भी हम ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। शुरुआत में एक दो दवाई जो रहती है हमारी वो ड्रिप के माध्यम से शाम के समय में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह कहना चाहूँगा कि जो मल्चिंग के माध्यम से यदि हम खेती करें तो और अधिक हम इसमें बिजली बचा सकते हैं, जल बचा सकते हैं, साथ ही साथ इसमें जो हमारा वाष्पीकरण की दर है वो अच्छा हो जाता है, इसलिए मल्चिंग ज़रूर करें इसके अंदर में। साथ ही साथ इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जल निकास जो हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बरसात के दिन में हमने इसमें बीज रोपाई किया रहता है उस कारण इसमें जो थोड़ा बहुत जल ठहराव ना हो करके उसके लिए निकेज नाली हमेशा पीछे साइड में हमेशा अच्छी तरीके से गहरी निकाल लें और जो हमारा जल थोड़ा बहुत भर भी जाए वो निकासी के माध्यम से बाहर निकल जाए। हाँ संगी, आप मन जानत हो कि हम मन ला अपन विकास करे बा जिसे अच्छा किस्म के भोजन की जरूरत पड़ती उसने सेमी के फसल घलो ला ज़्यादा ज़्यादा एक माँ नार आए ज़्यादा ज़्यादा एमा डंगाली आए और फल फूल अच्छा आते पाए के खातू माटी डर हमला चेत करने पर भी। वैसे तो हमन सेमी के फसल के खेत की तैयारी करत घानी हेक्टर पाछू 200 से 250 क्विंटल गोबर खातू डालथन, पर बीच बीच में हम किसान भाई मन अगर सही कहे तो रासायनिक खातु है अपन क्षेत्र के ग्रामीण किसी भी स्तर अधिकारी है या उद्यान विस्तार अधिकारी है इखर सलाह लेके अगर हमारे किसान भाई मन सेमी व रासायनिक खातु के उपयोग करी तो निश्चित है फसल के उत्पादन पर अच्छा हुई। हमन सेमी के फसल में कौन ढंग रासायनिक खातु है, खातु माटी प्रबंधन कैसे करना चाहिए, एक बारे में ये जानकारी आप दिखाथन। स्वस्थ और पूरे बढ़ावार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों के राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन होता है। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस का इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चूँकि सेम दलहन वर्गीय फसल है इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम तो ये रहेगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक इस मात्रा में डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर के खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि ज़मीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज़्यादा फायदेजनक होगी। इसमें खाद के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा जो हम जुताई के समय में 2 ट्राली अच्छा पचा हुआ गोबर खाद ले लें और साथ में 50 किलो रासायनिक खाद में DAP ले लें, 15 किलो पोटाश ले लें, 5 किलो हाइजिंक या न्यूट्रोविनेस खाद आता है वो ले लें।
साथ में इसमें जब अच्छे से मेड़ बन जाए उसके बाद में जब हम पौधा हमारा जो बढ़ना चालू हो जाए तो बढ़वार देखते हुए 19-19 के रेशो में जो आता है खाद ड्रिप के माध्यम से डालने के लिए वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। उसके बाद जब हमारा फूल फल लगना चालू हो जाए उस टाइम पे हम 4 किलो के रेशो पे जा सकते हैं। और जब हमारा जब हम देखें कि बहुत अधिक हमारा माल सेट होना चालू हो गया है उस टाइम पे हम 6 किलो पे जाएं इस पे। किसान भाइयों आप मन जाना था फसल तो लहर लहर लहरावत है, अगर वहाँ कोनो किस्म के कीड़ा है मकोड़ा है संसर्ग तो हमर किसान भाई मन ला गमेच नहीं रहे, कुतर कुतर के बहुत नुकसान करते। सेमी के फसल में कीड़ा सब संसर जाते तो कौन दवाई ला कतका मात्रा में डालना चाहिए कब डालना चाहिए और डारे के विधि का है एक बारे में आपने जानकारी दिखाथन। सेम के फलियों और उसकी पत्तियों में लगने वाले कीट और रोगों से बचना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू ना पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम के लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने पर भी भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदु रोमिल फफूंदी रोग। कृषि वैज्ञानिकों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं और यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाले सेम भी बड़ी तेजी से अपनी वृद्धि करती है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसके प्रकृति के मुताबिक भी लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़ावार का भी आकलन भली भांति की जा सकती है और तुड़ाई भी आसानी से हो पाती है। किसान भाइयों इसके अंदर में जो बीमारी जो है विशेष तौर पे इसमें क्या होता है कि बोरर आता है, उसके लिए हम दवाई है प्रोक्लेम उसको चला सकते हैं, वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से चला सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर में जो रस्ट है रस्ट के लिए इसके अंदर में चाहे कैराथियन चला दें 100 ml प्रति मतलब एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद में इसमें दूसरा जो है बीमारी विशेष तौर पे सेमी के अंदर में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इसलिए हमेशा यही ध्यान देना है कि इसमें फल छेदक ना आए या बोरर ना आए, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें।
हाँ संगी हो, आज हम आप मनला सेमी के फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दिखा है। वैसे सही कहन तो सेमी के फसल ला आठों काल बारह महीना हमारे किसान भाई मन ले सकते। और आप मन घलो जानत हो कि जम्मो किस्म के भुइया में एक फसल हमारे किसान भाई मन लेते। आज के कार्यक्रम कैसे लगी सोही जरूर आप मन चिट्ठी पत्र लिख के बताऊँ। और एक संग मोला दबिता, जय जोहार, राम राम।